नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी में देख रहे थे क्रिया विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हमने हिंदी में पिछली क्लास में पढ़ा था, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार हमने देखे थे। और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को चार भागों में बांटा गया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करेंगे अन्य आधारों पर क्रिया विशेषण के प्रकार। अगर हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, तो इसके इस हिसाब से तीन भेद होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अगर हम सबसे पहले साधारण क्रिया विशेषण की बात करें, तो जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में आए उसे साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण दिए हुए हैं, अरे तुम कब आए, हाय ये क्या हो गया, अरे वह लड़का कहाँ चला गया, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। तो इस तरह के उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण इस प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं जिनका संबंध किसी उपवाक्य से होता है। जहां पर अभी समुद्र है वहां पर कभी जंगल था, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगा। तो इन उदाहरणों में क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य से है, इसलिए इसे संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के किसी भी शब्द भेद के साथ हो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह काम तो गलत ही हुआ है, आपने आने भर की देर की है, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। तो यहाँ पर इस तरह की जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो निश्चितता के लिए बताए जाते हैं उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण को तीन भागों में बांटा गया है, मूल, यौगिक और स्थानीय क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल क्रिया विशेषण। ऐसे विशेष क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मूल क्रिया विशेषण। उदाहरण हो जाएंगे जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं या ठीक। दूसरा हो जाएगा स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में परिवर्तन किए किसी विशेष स्थान पर आ जाए उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाएगा। वह अपना सिर पड़ेगा, तुम दौड़ कर चलते हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर, चल और चलते ये शब्दों के रूप में बिना बदलाव के ही वे विशेष स्थान पर प्रयोग में किए गए हैं, इसलिए ये स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और तीसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण। तो यौगिक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद के लगाने से बनते हैं। अब यौगिक शब्दों का भी निर्माण संज्ञा से भी हो सकता है, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, शब्दों की द्विरुक्ति से, विभिन्न शब्दों के मेल से हो सकता है। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा सवेरे, सायं, अजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि। इसी प्रकार सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषणों के भी उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना आदि। इसी प्रकार विशेषण से क्रिया विशेषण, जैसे, चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे आदि। क्रिया से क्रिया विशेषण के उदाहरण दिए हुए हैं, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते। और इसी प्रकार से शब्दों के द्विरुक्ति से क्रिया विशेषण, कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ, एक एक, ठीक ठीक, इस तरह के उदाहरण हैं। और कई शब्दों के मेल से भी क्रिया विशेषण का निर्माण होता है, जैसे रात, दिन, कल, परसों, सांझ, सवेरे, घर, बाहर। और संस्कृत के करण कारण से क्रिया विशेषण, जैसे कृपया और साधारणतया।
प्रत्यय से वस्तुतः मुख्यतः विशेषतः और उपसर्गों से प्रति प्रतिदिन प्रत्येक प्रतिफल। इस प्रकार से धातु के क्रिया विशेषण में भी हो सकता है, अव्यय से क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा झट से या यहाँ तक। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुकरण वाचक की द्विरूपति क्रिया विशेषण का उदाहरण हो सकता है पटपट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़। तो ये कुछ उदाहरण हैं यौगिक शब्दों के निर्माण से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।